तो क्या लेना लेडीज, लेडीज क्या लेना फिर? फटाफट रेड बुल उठाओ। सो नाउ वी आर इन धोला कुआ। तो भूख लग रही थी, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, 5:30 ही है ना, 6:45। उसने सोचा यार 24/7 के सामने एक ये था डोनर बर्गर, सोचा कुछ यहाँ से पैक करा के बर्गर वगैरह। हम भी पहुंच जाते फिर आजा छोटू। क्यों बच? अरे मत खोलो मत खोलो भाई, उंगली डाल। आजा आजा चला घुमा के लो चला। बग्गी उतारी ओ भाई ऊपर है ना तेरी। ओ भाई मेरे को तो डर लग रहा है। हेलो। ओ बेटे ओ भाई गेट गेट बंद कर, गेट खोल रखा है। भाई वो भी बीच में चल रहा हमारे। हेलो गाइस, सो नाउ वी आर इन कौन सा ये वो है, पांडू पुल है जो कि अलवर साइड पड़ता है। और ये पूरा जंगल कुछ 11-21 किलोमीटर के आसपास है, कवर करके आता है सिरस, कौन सा था सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व था, उसको क्रॉस करके फिर दो रास्ते कटते हैं समथिंग, वहाँ से आगे क्रॉस करते हुए पांडू पुल का रास्ता आता है। और यहाँ से हम जा रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पे भीम जी ने गदा मारा था। और अभी हमने भी काफ़ी सुना है इस लोकेशन के बारे में, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए थे वहाँ पे, तो ये हमारा गाइड चल रहा साथ में, इसने ये लोकेशन डिस्कवर किया है और एक्सप्लोर हम करेंगे अब तीनों मिलके। तो आगे चलते और देखते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी होपफुली काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलेगा क्योंकि भगवान की जगह पर आया है, सब अच्छा ही होगा। तो चलिए आज चलते हैं और आगे तक देखते हैं। ये लोकेशन ऐसे लगे जैसे जुरासिक पार्क था ना पूरा पूरा। ये देखो ये पूरी लोकेशन ऐसे लग रही है। तो एक बंदे की इसमें छलांग मार के मृत्यु हो चुकी है। बट यार ये डीप तो लग नहीं रहा जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए। लेकिन इतना डीप लग नहीं रहा। बट ये है यार, आप यहाँ पे आ रहे हो, आप यहाँ पे आओ तो विद सेफ्टी आओ, सेफ्टी से चलो, ध्यान चलो, हर एक कदम ध्यान से रखो। बाकी एक ये देखो, तो कहते हैं ये जो जगह है, ये जो हॉल बना हुआ है, पोल कहते हैं जिसे, जिस नाम से फेमस है ये पोल है। यहाँ पे कहते हैं कि भीम जी ने गदा मारा था। ये है क्या?
और आप देख सकते हो ऊपर जाने का रास्ता दिख नहीं रहा, कैसे टेढ़े मेढ़े बिल्कुल हो रखे है। एक बार ऊपर के चढ़ तो जाए, बट नीचे आने का रिस्की बहुत है, बट ट्राई करके देखते हैं, चांसेस है जा सकते हैं। तो फाइनली हम ऊपर जा रहे हैं और ये देखिए अब रास्ता। तो फाइनली इतनी वहाँ से ऊपर चढ़ के आने के बाद आप ये देख सकते हो कैसे रास्ता है, जो कि बहुत ही रिस्की है यार। तो कम से कम इतना रिस्क लेने के यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब या लाल बटन और साथ में जो बेल लेना है उसको दबा के जाना, और वीडियो अभी आगे बाकी है तो पूरी देख के भी जाना। इतनी मेहनत करके ऊपर आया है, और ये वो एरिया है ये जहाँ पे कहते हैं भीम जी ने गदा मारा था। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे, आगे कुछ है नहीं देखने लायक, और बट आगे का रास्ता जो नीचे उतरने का स्लिपरी है, जैसे कि मैं ऊपर भी आया हूँ। तो ये सारे यहाँ पे टोल लेने के लिए बैठे हैं, टोल नहीं देंगे तो जाएंगे नहीं, फास्टैग लगवा के आना पड़ेगा लगता है माथे पे हमारे को, है ना भाई साहब? ओ भाई ये बहन जी है, सॉरी भाई साहब जाने दो, ओ भाई भाई साहब प्लीज जाने दो। तो पहले इसी शेर देखना, शेर से फट रखी फिर क्या? मैंने ये कहा था कि पैदल भाई शेर को ढूंढने जाएंगे, तो हम शेर को ढूंढने आए हैं। अच्छा अच्छा, शेर तो चप्पल से पिटता अब क्यों दिखा तू साला, जब गाड़ी में ढूंढने तब तो दिखा नहीं साले को, तो बैग से मारता था उसको बग्गे, उसको हम शेर को पालते, उसको पता क्या खिलाते? दूध दूध सेट तो फटाफट यहाँ से दर्शन लेके पीछे मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे इस मंदिर के अंदर, यहाँ पे दर्शन करके फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो वन ऑफ द मेन रीजन ये था कि वहाँ पे हनुमान जी ने अपने आके दर्शन दिए थे, और मंदिर बनाने का भी ये रीज़न था क्योंकि हनुमान जी की शक्ति और भीम अपने पे, भीम जी जो थे वो अपनी शक्ति पे कुछ ज़्यादा ही अहंकार रखते थे, मेरे से ऊपर कोई है नहीं, तो वो शक्ति को तोड़ा सब कुछ हनुमान जी ने, सब कुछ अपने चीज़ दिखाई, जो ईगो थी वो ईगो पूरी तोड़ी। एंड देन आफ्टर उन्होंने एक हनुमान जी ने बोला माफ़ी, भीम जी ने मांगी हनुमान जी ने, फिर उनको माफ़ करते ये बोला कि तू 1 किलोमीटर दूर मेरा, 1 किलोमीटर पहले मेरा मंदिर बनवा। और ये पूरी कहानी थी।